हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। चलिए हम लोगों का ये न्यू टॉपिक रिलेशंस स्टार्ट होने जा रहा है। आपका टॉपिक है हमारा रिलेशंस। तो जैसा कि पहले भी सेट थ्योरी आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है, और सेट सभी लोग जानते हैं व्हाट इज द सेट। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एनी थिंग्स आर कॉल्ड ए सेट। और आपकी टॉपिक है ये रिलेशन। तो रिलेशंस क्या चीज होता है, तो इसके लिए पहले हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेट्स, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव ए सेट ए इज इक्वल ए बी सी, बी इज इक्वल पी क्यू, ये आपके दो सेट हैं। तो ए क्रॉस बी यू है ए क्रॉस बी इज इक्वल ऑर्डर सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए पी ए क्यू बी पी बी क्यू सी पी सी क्यू। यू फाइंड हियर ए क्रॉस बी। आप देखते हैं कि ए के सभी एलिमेंट बी के सभी एलिमेंट से ऑर्डर पेयर अपना बनाए हैं। हियर इन ऑर्डर पेयर फर्स्ट एलिमेंट्स कंटेन्स इन सेट ए एंड सेकेंड एलिमेंट्स कंटेन इन सेट बी। अब रिलेशंस क्या होता है। रिलेशंस डिफिनेशंस ऑफ रिलेशंस, रिलेशंस ऑन ए टू बी, आर सच दैट ए टेंडिंग टू बी। ए से बी में रिलेशंस का जो डिफिनेशंस हम देते हैं, आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशंस इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। हियर यू सी नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। आपके ए क्रॉस बी के कितने सबसेट्स फाइंड होंगे, तो सबसेट्स आपके होंगे 2 to the power, कितने एलिमेंट्स हैं इसमें ए क्रॉस बी में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 2 to the power 6। 2 to the power 6 मीन्स 64। तो 64 सबसेट इसके बनाए जा सकते हैं, यानी इसमें नंबर ऑफ रिलेशंस हम कितने फाइंड कर सकते हैं, 64। तो सबसे पहले तो आपको रिलेशंस क्लियर हो गया, आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब रिलेशंस की जो क्वालिटीज होती हैं, जैसे रिलेशंस आपका नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, होल नंबर्स नेचुरल नंबर से होल नंबर्स में, होल नंबर से इंटीजर्स में, तो ये आपको रिलेशंस निकालने होते हैं। तो रिलेशंस का क्वालिटी जो होता है क्या होता है, जिसको आप ध्यान दीजिए, आर इसकी तीन क्वालिटी होती है रिलेशंस की। फर्स्ट होती है रिफ्लेक्स रिलेशंस। ये तीन क्वालिटी आपको बताया गया है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। अब किस रिलेशंस को हम रिफ्लेक्सिव बोलेंगे, किस रिलेशंस को हम सिमेट्रिक बोलेंगे। सपोज दैट यू हैव ए सेट ए इज इक्वल 1, 2, 3, तो रिलेशंस ऑन सेट ए, रिलेशन ऑन सेट
ए के एलिमेंट्स, ए के द्वारा ही अटैचमेंट जब हो रहे हैं तो उसमें रिलेशंस हमारा कैसे डिफाइंड होता है और किसको हम रिफ्लेक्सिव बोलेंगे, किसको सिमेट्रिक बोलेंगे, किसको ट्रांजिटिव बोलेंगे। तो इफ रिफ्लेक्सिव के लिए डिफरेंशिएशन हो जाएगा ए ए बिलोंग टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग टू सेट ए। इसका मतलब कि वह रिलेशंस जिसमें ए के सभी एलिमेंट सेल्फ से कंटैक्ट हों तो दैट रिलेशंस आर कॉल्ड एज रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। हियर इफ यू हैव एग्जांपल आर इज इक्वल 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3, इन दिस रिलेशन यू सी हियर 1 1 2 2 3 3 कंटेन इन दिस रिलेशंस, देयरफॉर दिस रिलेशंस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्सिव। डिफिनेशंस ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस, सिमेट्रिक रिलेशंस हम किसको बोलेंगे, सिमेट्रिक के लिए हमारा जो डिफिनेशंस आता है इफ ए बी बिलोंग टू आर देन बी ए बिलोंग टू आर। यदि ए बी आपका आर में बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी आर में बिलोंग करना चाहिए। यदि ऐसा कोई कंडीशन हमको मिल रहा है तो दिस रिलेशंस इज कॉल्ड ए सिमेट्रिक रिलेशंस। फॉर एग्जाम्पल यू सी हियर इफ आर इज इक्वल 1 1 1 2 2 3 2 1 3 2, इन दिस रिलेशन वी सी हियर वन टू बिलोंग टू आर एंड 2 1 इज ऑल्सो बिलोंग टू आर, 2 3 बिलोंग टू आर एंड 3 2 इज ऑल्सो बिलोंग टू आर। यानी ये हमारा कंडीशन फॉलो हो रहा है, इफ ए बी बिलोंग टू आर देन बी ए इज ऑल्सो बिलोंग टू आर। तो ये रिलेशंस आपका सिमेट्रिक रिलेशंस कहा जाएगा। ट्रांजिटिव रिलेशंस के डिफिनेशंस में आप क्या देखेंगे, इफ ये डिफिनेशंस है आपका ए बी बिलोंग टू आर एंड बी सी बिलोंग टू आर देन ए सी इज आल्सो बिलोंग टू आर। ये कंडीशंस आपका यदि मैच कर रहा है तो यू कैन से दैट गिवन रिलेशंस ए ट्रांजिटिव रिलेशंस। ओके फॉर एग्जाम्पल इसी के अकॉर्डिंग यू सी हियर इफ ए रिलेशन दिस इज यू हैव आर वन रिलेशन, दिस इज आर टू रिलेशन, आर थ्री रिलेशन। यू सी आर वन आर टू आर थ्री इज द सबसेट ऑफ ए क्लास बी, आर थ्री इज इक्वल इफ यू हैव ए सेट ऑर्डर पेयर ऑफ सेट्स 1 1 1 2 2 3 1 3, इन दिस रिलेशन यू है 1 2 बिलोंग टू आर एंड 2 3 बिलोंग टू आर एंड 1 3 इज ऑल्सो बिलोंग टू आर। देयरफॉर यू कैन से दैट आर थ्री इज द ट्रांजिटिव रिलेशंस। और ऐसा रिलेशंस जिसमें
रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये तीनों क्वालिटी आपके मिलान कर रहे हैं तो दैट्स रिलेशन इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंस रिलेशन, दैट्स रिलेशन इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंस रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर ए रिलेशन, इफ लाइन L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 या L1 L2 वेयर L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, परपेंडिकुलर के केस में यू कैन सी हियर L1 परपेंडिकुलर टू L2, देन L2 इज आल्सो परपेंडिकुलर टू L1, तो देयरफॉर दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। ओके, तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशंस के लिए, इक्विवेलेंस रिलेशंस के लिए यदि आपका ये तीनों क्वालिटी उसमें बिलोंग कर रहा हो, इफ रिलेशंस इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देन दैट रिलेशंस इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंस रिलेशंस। ओके, फॉर एग्जांपल if a is equal x such that x are lines in a plane, set a जो है set of लाइंस है, किसी प्लेन में उपस्थित सभी लाइनों का सेट है, और एक रिलेशन दिया जा रहा है इफ हियर जो है आर इज इक्वल L1 L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2। So you see here you see set A is equal x as that x are lines in a plane and a relations on A r is equal L1 L2 such that L1 parallel to L2। So आप देखेंगे L1 belong to R for every L belong to A। कोई भी लाइन सेल्फ के पैरेलल तो अवश्य होगी, therefore L1 or LL belong to R for every L belong to A and if this implies that R is reflexive, L1, L2 belong to R, then L2, L1 belong to R. This implies that R is symmetric, L1, L2 belong to R and L2, L3 belong to R, then L1, L3 belong to R. This implies that R is transitive. Here R is reflexive, symmetric and transitive, therefore we can say that R is equivalence relation। Okay, so इसी properties के according आप अपने exercise में देखेंगे कि कौन से relations reflexive हैं, symmetric हैं, transitive हैं। आप exercise अपना आगे solve करेंगे relation से जो इस topic से related हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग
इसकी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। थैंक्स। इस चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।